आगामी नवंबर को नेपानगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एवं भाजपा दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव सभाएं एवं जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। गुरुवार के दिन धुलकोट में नेपानगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस बेईमानों और गद्दारों की पार्टी है। कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश की जनता का शोषण किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान धुलकोट को तहसील बनाने का दर्जा दिया। धुलकोट के शासकीय महाविद्यालय में अब अगले सत्र से बीएससी एवं बीकॉम कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। कोई छात्र छात्राएं अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहेगा तो उनकी पढ़ाई एवं कमरे का खर्चा उनका मामा शिवराज सिंह चौहान उठाएगा।